इतनी तेज बारिश हुई थी, अभी बारिश तो फिलहाल रुक चुकी है लेकिन बहुत ही तेज बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा। अभी अभी तो मतलब अभी बहुत ही कम गई है, तो थोड़ी देर पहले बहुत तेज हो रही थी। बहुत तेज़ी बारिश हो रही थी उस टाइम, मेरा दोनों फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, यानी कि मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन, मेरा भी फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था। मैं किससे वीडियो शूट करती समझ में नहीं आया। तो ये फ़ोन पता है अभी मात्र 6% चार्ज हुआ है तब मैंने वीडियो शूट किया ये, और ये दोनों मतलब एक तो फ़ोन मैं एडिट कर रही थी उस, तो इस वजह से डिस्चार्ज हुआ, तो उसे अपना वाला मैंने चार्ज में लगाया। और इनका फ़ोन है क्या कि मैं देखती नहीं हूँ ना, इनका फ़ोन ही घर में छोड़ के जाते हैं तो रखा रहता है, तो शायद पहले से डिस्चार्ज होगा, मुझे नहीं पता था। तो ये फ़ोन पहले से डिस्चार्ज था, और फिर थोड़ा सा बाबू छोटी वाली देखी इस वजह से और डिस्चार्ज हो गया, और तो उसको पता नहीं चलता कि फ़ोन डिस्चार्ज जब ऑफ हो जाएगा तभी देखेगी, लगे मम्मा ऑफ हो गया, ऐसे उसे पहले दे नहीं सकती। तो इस वजह से फ़ोन डिस्चार्ज था तो मैंने वीडियो शूट नहीं करा। और अभी चलिए मैं लंच बनाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से बातें करते हैं। मैं यहाँ लंच में बना रही हूँ तरही, नमकीन चावल भी ऐसे बोल सकते हैं इसे। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, तेल दिया है, जीरा, और उसके बाद गोभी मैंने काट के रखी थी, गोभी, शिमला मिर्च और आलू। तो ये गोभी और शिमला मिर्च तो मैंने डाल दिया है, अब आलू मैं कट कर रही हूँ अभी ही, और उसके बाद फिर इसमें मैं आलू डालूँगी, और चावल भी मैंने धो कर के रख लिए हैं, तो इसमें मैं ये आलू डाल देती हूँ। और जो भी मसाले बहुत ही कम डाले मैंने, थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं, और ना ही मिर्च पाउडर डाला, ना ही हरा मिर्च डाला है, क्योंकि बाबू लोग खाएगी ना तो वो लोग को तीखा लगेगा, इस वजह से मैंने नहीं डाला। फिर भी अच्छे से नहीं खाई, बोली इसमें आप, और ये फरमाइश है था मेरी कृपा रानी का, तो बोली मम्मा इसमें आपको येल्लो कलर चावल बोली थी ना बनाने, इसमें आलू आप क्यों दिए, गोभी क्यों दिए, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने आलू निकाल दिया, गोभी निकाल दिया, बस उसे चावल दी, तो फिर थोड़ा बहुत वो खाई, और मुझे लगा कि शायद सब कुछ दे करके बनाओगी खाएगी, लेकिन बोली नहीं मम्मा मुझे ना नहीं, सिर्फ येलो कलर का चावल खाना था, वो हो गया। और वो फिर छोटी वाली का फरमाइश हुआ कि मम्मा मुझे ब्राउन कलर का चावल खाना है, ऐसे बोली कि आज मुझे ब्राउन कलर का चावल बना दीजिएगा और कल ना पिंक कलर का चावल बना दीजिएगा। मैं बोली बेटा ये तो येलो कलर का बोली चावल बनाइए, तो हल्दी डाल करके मैंने बनाया, ये संभव था, ब्राउन चावल भी संभव है, लेकिन अगर पिंक बोली है तो पिंक में तो मुझे कलर ही डालने पड़ेंगे ना, ऐसे तो मैं बना सकती मतलब कैसे बनाऊँगी, और कलर डाल करके तो मैं दूँगी नहीं खाने के लिए। तो इसमें देखिए चावल डाल दिया, अब सेट कर देती हूँ इसे, और ये देखिए बन करके तैयार हो गया है, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ बनने के बाद मैं आप लोग से बातें की थी, उसके बाद ये वाला वीडियो शूट हुआ था, लेकिन इसे मैंने पहले साथ में कर दिया कि बनने के बाद दिखाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस मेरा खाना बन चुका है, और जस्ट मैंने खाना बना लिया है देखिए, और पता क्या है इसको मैंने ना यहाँ जो डब्बा सब रखा हुआ था उसे सबको हटा दिया, सबको ऊपर शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ जो मसाले वाले डब्बे होते हैं वो रखा है मैंने, और यहाँ कप रखा है, और यहाँ शीशे वाले जो भी ग्लास कटोरी वो सब मैं सोच रही हूँ रखने को, यहाँ फिलहाल कप रख दिया है मैं ना, वो जो ये जो जगह है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा खाली खाली रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से इस तरह से मैंने सेट किया है। यहाँ मसाले रखे हैं, इसके सिवा चाय पत्ती है, मतलब मसाले हैं और चाय पत्ती है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो खाना बन गया है, अभी सभी लोग नहीं खाए हैं, तो हम लोग चलिए खाना खाने चलते हैं, और आप लोग भी आइए और खाइए। आज बारिश बहुत ही ज़्यादा जम के बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा, और पता है मुझे फ्रिज साफ़ करना, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से नहीं हो रहा, ऐसा करना होता तो हो जाता, मुझे वीडियो भी शूट करने हैं, इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो
चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।